राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आज मैं आपको लेके जा रही हूँ श्री बांके बिहारी जी का मंदिर, जो कि वृंदावन का सबसे फेमस मंदिर है, हरिदास जी का मंदिर है। और यहाँ पे ही पास में राधा वल्लभ मंदिर है, तो मैं दोनों ही दिखाऊंगी आपको और पूरा वॉकिंग टूर कराऊंगी मैं आपको वृंदावन में जो बिहारी जी की गली है उसका। तो बहुत ही आराम से बैठ के वीडियो देखिए, एक एक चीज़ को एंजॉय करिए, घर बैठे ही दर्शन करिए बिहारी जी के। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आपने मेरे वृंदावन के सभी वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ चेकआउट करिए। और मेरे चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम ऑटो से जा रहे हैं और ये देखिए हम पहुँच गए यहाँ पे विद्यापीठ चौराहा। इस विद्यापीठ चौराहा से आप लेफ्ट जाएंगे तो आपको मिलेगा बिहारी जी का मंदिर, और स्ट्रेट जाएंगे तो आप पहुँच जाएंगे लोई बाज़ार। लोई बाजार का वीडियो भी मेरे चैनल पे है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो ज़रूर चेकआउट करिएगा। साथ में अब आप एक एक चीज़ को देखिए ध्यान से। और मैंने लास्ट वीडियो जो दिखाया था उसमें मैंने बिहारी जी के दर्शन कराए थे, साथ में मैंने लड्डू गोपाल शॉपिंग की बहुत सारी चीज़ें दिखाई थी। तो अगर वो भी चेकआउट नहीं किया है तो प्लीज़ उसको भी चेकआउट करिएगा और साइड बाय साइड देखते चलिए। अब सबसे पहले बात करते हैं कि अभी लॉकडाउन के बाद क्या कंडीशंस हैं, आपको देखने से समझ में आ जाएगा कि क्राउड कितना है। आपको प्रिकॉशन लेना है पूरा अच्छे से। मैं 4 लेयर्स वाला अपना मास्क पहने हुए थी, साथ में सैनिटाइज़र बार बार यूज़ कर रही थी। तो आप भी अगर चाहते हैं तो या तो डबल मास्क पहनिए, N95 पहनिए, कोई भी पहनिए, सेफ्टी मेजर्स के साथ में जाइए। कोशिश करिए कि बच्चों को ना ले जाएं, आप खुद ही जाएं और दर्शन करके वापस प्रसाद ला के बच्चों को खिलाएं। तो बस ऐसा ही किया था मैंने। और देखिए साइड बाय साइड कितनी अच्छी अच्छी शॉप्स हैं, सब कुछ इतना सुंदर लग रहा है। और एक एक चीज़, मतलब आपको यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो आपसे कहेंगे कि नहीं चलिए हम आपको शॉर्टकट से दिखा देते हैं। कोशिश करिए कि आप यहाँ से विद्यापीठ चौराहा से मंदिर तक पैदल जाएं, क्योंकि आप जब पैदल जाते हैं एक एक चीज़ को आप देखते जाते हैं और दर्शन करते जाते हैं, उस जगह की लोकल चीज़ों के बारे में आपको पता चलता है। और ये तो भगवान का धाम है, तो यहाँ पे तो हर चीज़ में ही भगवान है, कण कण में भगवान है। तो पूरा ठाकुर जी बिहारी जी की एक एक चीज़ को महसूस करिए और इस तरह से जाइए और देखिए आसपास के जो लोग हैं वो, मतलब आपको देख के लगेगा कि कितने अलग अलग टाइप के लोग हैं, मतलब कि इतना ज़्यादा डिवोटेड लोग हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो डेली सुबह शाम पूरा दर्शन करते हैं और बहुत ज़्यादा सेवा करते हैं। तो यहाँ पर हर कोई ही, मतलब नॉर्मल कोई भी नहीं है, सामान्य आदमी कोई भी नहीं पहुंचेगा वहाँ। जो रहते हैं वो सभी अलग हैं, वृंदावन में वास जो कर रहा है वो ज़रूर कुछ स्पेशल ही होगा। वृंदावन में जो पशु पक्षी हैं, जो पेड़ पौधे हैं, वो भी खास हैं, भगवान के कुछ खास लोग हैं। तो हर चीज़ ही भगवान की खास है वृंदावन में। सबसे ज़्यादा भगवान ने अपनी लीलाएं की हैं ब्रज में। तो आप इस वीडियो को एंजॉय करिए और महसूस करिए और साइड बाय साइड देखते चलिए बहुत सुंदर सुंदर शॉप्स। खाने पीने की बहुत सारी दुकानें हैं। मुझे याद है बचपन में, हम जब भी बचपन में क्या, हम अभी कुछ दिनों पहले तक, लॉकडाउन से पहले तक जब भी आते थे तो हमेशा चाट जरूर खाते थे, और यहाँ पे दर्शन करने के बाद निकल के लस्सी पीते थे। तो मतलब वो सारी चीज़ें, पिछली बार मैं जब बच्चों के साथ सिंगापुर से आई थी तब भी हमने खाया पिया था यहाँ पे। तो वृंदावन में इस गली में जो है ना, अंदर की तरफ जो मंदिर के पास में जो शॉप्स हैं खाने पीने की, वो बहुत अच्छी हैं। और प्रसाद के लिए शॉप्स हैं, और भगवान की पोशाक वस्त्र, लड्डू गोपाल का श्रृंगार, सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा मिलता है। तो बस देखते जाइए और इन्जॉय करते जाइए। और देखिए एकदम जब पास में पहुंचेंगे आप तो ऐसी शॉप से प्रसाद लीजिए, और प्रसाद लेने के बाद कुछ खास काम करना है जो मैं अभी बताती हूँ, तब तक वीडियो इन्जॉय करिए।
सुंदर सुंदर दुकानें हैं, भगवान की पूजा की सारी सामग्री आपको बहुत ही अच्छी अच्छी मिलती है, भगवान के साज सिंगार का सामान मिलता है, इस्कॉन्स की शॉप है जहाँ पे कि आपको माला जाप करने के लिए जो भी चीज़ें चाहिए होती है वो सब, साथ में बहुत सुंदर सुंदर ज्वेलरी की शॉप है, ड्रेसेस की शॉप है, छोटे बच्चों के लिए लहंगा और गोपी ड्रेस, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। लाइटिंग इफेक्ट की वजह से थोड़ा सा वीडियो उतना क्लियर नहीं आया है कुछ जगह, क्योंकि अंधेरा सा था थोड़ा, अंदर गली है तो वहाँ पे थोड़ा सा अंधेरा, प्लस उन लोग की लाइट्स, तो वो थोड़ा सा रिफ्लेक्शन सा आया है, अच्छा नहीं आया, क्लियरिटी नहीं है, लेकिन मैं दिखा रही हूँ फिर भी क्योंकि मैं चाहती हूँ इसको शेयर करना आप लोगों के साथ। तो आई होप कि आपको सही लगेगा, आप समझ जाएंगे कि ऐसा क्यों है। और ये जो शॉप है ना, यहाँ पे हमने बहुत बार चाट खाई है बचपन में क्या, बड़े होकर भी, और बस यहाँ से हम जा रहे हैं। इस समय जो कंडीशन है अभी, क्योंकि थोड़ा सा तो स्ट्रिक्ट रूल है, लेकिन फिर भी पब्लिक कहाँ मानती है, आपको तो पता ही है भगवान के मामले में हमारी सद्बुद्ध खो जाती है, मतलब चली जाती है। तो बस यहाँ से क्यू है और हम क्यू में लग गए थे। यहाँ पे जब आप क्यू में लगेंगे तो आपके पास बहुत सारे लोग आएंगे और कहेंगे 100 रुपये दीजिए और हम आपको शॉर्टकट से दर्शन कराते हैं। तो कोई भी शॉर्टकट मत लीजिए, आप ले सकते हैं अगर आपको चलने में प्रॉब्लम है या कोई और दिक्कत है, अगर आप नॉर्मल है सब कुछ ठीक है तो आप शॉर्टकट मत लीजिए, लाइन में लगिए और उसके बाद ही दर्शन करिए। अब यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब आप लाइन में लगते हैं और आपने अगर रास्ते में प्रसाद लिया किसी भी शॉप से, यहाँ से ही देखिए चप्पल रखना शुरू हो जाते हैं, और बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे रास्ते में जो लोग अपनी चप्पलें ढूंढ रहे होंगे। हमारे साथ ये हादसा बहुत बार हुआ है, पापा जी की चप्पल इस बार भी खो गई थी, अभी भी खो गई थी, जबकि हमें पता है तब भी खो गई थी। तो खो गई थी तो कुछ कर नहीं सकते, बहुत सारे लोग उल्टा आके, देखिए यहाँ पे मैंने अपनी चप्पलें मैंने और पापा जी ने रखी थी और उनको दुकान वाले को बोला था, लेकिन फिर भी छोटे छोटे बच्चे ऐसी शैतानी करते हैं, वो चप्पलें हटा देते हैं, छुपा देते हैं, देखिए लोगों ने दुकानों पे रखी हुई हैं। तो आप ये चीज़ बहुत ध्यान से अपनी चप्पलों को जहाँ से प्रसाद लीजिए या जहाँ से कोई भी शॉपिंग करिए, किसी भी शॉप पे बोल के रख के आइए, नहीं तो लौट के आने पे आपको चप्पल नहीं मिलेगी। इस बार भी पापा जी की चप्पल खो गई थी और मेरी चप्पल भी एक मिल रही थी, एक नहीं मिल रही थी। फिर एक बच्चा आया, उसने कहा आप मुझे 20 रुपये दीजिए तो मैं आपकी चप्पल ढूंढ के दूंगा। तो छोटे छोटे बच्चे हैं, पेट के लिए सब कुछ माँ बाप करवाते हैं आजकल, तो बस ये सब है। और भगवान के धाम आए हैं तो मैं ज़्यादा सोचती नहीं हूँ, चलो ठीक है 20 रुपये दिए और अपनी चप्पल ले ली। तो अपनी चप्पल जूते, महंगी चप्पल पहन के कभी भी मंदिर में जाइए, आप नॉर्मल स्लीपर पहन के ही जाइए, तो और वैसे भी बारिश का मौसम है तो थोड़ा सा संभाल के ही जाइए। तो शूज़ वगैरह तो बिल्कुल महंगे पहन के जाने वाला नहीं है। तो यहाँ पे आप कहीं पे भी जो भी शॉप आपको लगती है कि यहाँ से आपने फूल ख़रीदा है, प्रसाद खरीदा है या कुछ भी शॉपिंग की है, उनके पास रख दीजिए, क्योंकि आगे जाके आपको कोई ऐसी जगह नहीं मिलने वाली है, इस समय नहीं है। पहले जूता घर होता था, लेकिन अभी कोविड के चक्कर में लॉकडाउन और ये हम पहुंच गए मंदिर। अभी कोविड जब से है तो ये दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, इधर से उधर नहीं जा सकते आप। पहले ये खुला हुआ था तो हम लोग आ जा सकते थे। तो बस अब दर्शन करेंगे हम मंदिर के, और अंदर मंदिर का मैंने एक वीडियो बना रखा है, आपने अगर नहीं देखा है तो उसको ज़रूर चेकआउट करिएगा। मंदिर के अंदर ऊपर की सजावट का जो फूल बंगला सस्ता है उसका वीडियो बनाने की परमिशन है। भगवान के बिहारी जी के दर्शन आप अपनी आँखों से डायरेक्ट करिए, ना कि कैमरे के थ्रू। तो बस ये है अंदर का मंदिर जो भव्य है, जहाँ पे जाके आपको बार बार जाने का मन करता है। तो बिहारी जी के दर्शन, भगवान सबकी सुनना, और जो अच्छा हो हमारे लिए वही करना, बस हमेशा मेरी यही दुआ रहती है, यही प्रार्थना होती है। और जब बाहर निकलेंगे आप तो ये बैक साइड है परिक्रमा, और यहाँ से निकल के ही आप जैसे ही आगे लेफ्ट साइड में जाएंगे तो राधा वल्लभ मंदिर है, जो कि हरिवंश जी का है, हरिवंश जी का। तो वहाँ पे भी बहुत ही अच्छे से भगवान हैं, मतलब ठाकुर जी हैं। और यहाँ से ही राइट जाना पड़ेगा हमको, और जहाँ हमने चप्पल उतारी थी वहाँ जाने के लिए आपको अंदर गली से होके जाना पड़ता है। तो बस वहाँ पहुँचिए और उसके बाद अच्छे से अपनी चप्पल जूते जहाँ भी रखे हैं ले लीजिए। हाँ, राधा वल्लभ के दर्शन करने हैं तो उस साइड पे ज़रूर जाइए, लेफ्ट साइड में। मंदिर के सीधे साइड में आप जाएंगे तो आपको राधा वल्लभ मंदिर मिलेगा। थोड़ा सा मैंने क्लिप लिया है, उसका पूरा वीडियो मैं बाद में अगली बार बनाऊंगी जब भी जाऊंगी तो। और ये बिहारी जी का मंदिर, अगर आप उधर से एंट्री नहीं करते हैं, शॉर्टकट से आते हैं, तो इधर से भी लोग लेके आ जाते हैं, तो आप सीधे सीधे ही जाइए, पैदल जाइए, मेरी यही सलाह है। और मंदिर के अंदर का मैंने एक और वीडियो बना रखा है, उसको भी ज़रूर चेकआउट करिए।
और सुंदर सुंदर लड्डू गोपाल की शॉपिंग करनी है, कुछ भी श्रृंगार लेना है तो आप यहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं। बहुत ही प्यारी प्यारी शॉप्स हैं, एक एक शॉप में 2-3 घंटे मुझे तो लग सकते थे, लेकिन इतनी जल्दी जल्दी में मैंने सब कुछ किया और ज़्यादा देर रुकना भी नहीं था। बहुत ही सुंदर सुंदर दुकानें हैं बच्चों के लिए और भगवान के लिए, ठाकुर जी के लिए आप शॉपिंग कर सकते हैं। तो बस ये एक वीडियो मैंने बनाया है इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं बिहारी जी का मंदिर खुला है कि नहीं, हम जा सकते हैं कि नहीं, हमको रिपोर्ट लेके जाना होगा, हमको क्या करना होगा। तो कोई रिपोर्ट नहीं चाहिए, आप डायरेक्ट जा सकते हैं, भीड़ देख के अंदाज़ा लगा लीजिए, अगर रिपोर्ट चाहिए होती तो इतनी भीड़ नहीं होती। और ये है राधा वल्लभ टेम्पल जो कि अंदर का मंदिर, मतलब वहाँ कैमरा मतलब ओपन करना अलाउ नहीं था और बस दर्शन करके मैं निकल आई थी। और यहाँ से और मेरे गले में जो चुन्नी है ना वो बिहारी जी से मंदिर में प्रसाद से मिली थी, तो मैंने तुरंत उसको गले में लगा लिया था। प्रसाद और भगवान के पास की जो भी चीज़ें हों उनको तुरंत यूज़ करिए, मतलब कि अगला पल हो या ना हो प्रसाद मिला है घप से खाइए तुरंत, और जो भी चीज़ मिली उसको तुरंत यूज़ कर लीजिए, रखना नहीं है उसको। तो बस भगवान और कुछ शॉपिंग ज़रूर करिए, जब भी भगवान के धाम जाएं तो कुछ तो ज़रूर ख़रीदारी करिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा, अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे वृंदावन के व्लॉग्स देखने के लिए कनेक्टेड रहिएगा, बहुत सारे वीडियोज़ अभी आने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा, कॉमेंट जरूर करिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।